ये बताना चाहता हूँ कि मकसद सिर्फ इस कॉलेज को लोग जाने, ये कॉलेज कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, ये जनता की खिदमत के लिए है। मैं और ज़्यादा ना कहकर आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी जगह संभालने की सहमत करें। किसी इदारे, किसी दानिशगाह या किसी कॉलेज से होती है। मैं अक्सर मुशायरों में जब इल्म पर तकरीर करता हूँ तो बहुत ही जुरात के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ कि हमसे जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि सन 47 के बाद हमने लीडरों को पैदा किया। हमें लीडरों की ज़रूरत नहीं थी, हमें सर सैयद की ज़रूरत थी कि हर आबादी में कोई ऐसा शख्स होता जो सियासी तो होता लेकिन उसका जो विजन या मिशन होता, उसकी जो नज़र और नज़रिया होता वो वही होता जो सर सैयद का था। तो आज़ादी के बाद हमें हर आबादी में कोई ना कोई सर सैयद जैसी शख्सियत होनी चाहिए थी। मुझे बड़ी खुशी है कि अबरार भाई ने वो काम किया जो 150-200 बरस पहले सर सैयद ने किया था। उन्हें भी लोगों ने बड़ा लानतान किया था, बुरा भला कहा था। उस वक्त हमारी कौम ऐसी थी कि वो अंग्रेज़ी से नफरत करने की जगह पर अंग्रेज़ों से उसने नफरत करना शुरू किया। देखिए, एक बड़ी ख़ास बात उस वक्त हुई कप्तान साहब कि जब हम 1857 ईस्वी में हमारे हाथों से इख्तदार चला गया, अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया, तो हमारी कौम इतनी दुखी हुई कि वो अंग्रेज़ों से नफरत के साथ साथ अंग्रेज़ी से भी नफरत करने लगी। और कम से कम 60 बरस तक हमारी कौम ने अंग्रेज़ी को हाथ नहीं लगाया। 1820 ईस्वी में मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में कॉलेजेस बन चुके थे और 1868 में जब सर सैयद ने ये चाहा कि वो एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम करें तो हमारी कौम के मौलवियों ने उन्हें कुफ्र का फतवा दे दिया कि ये शख्स हमें अंग्रेज़ बना रहा है। हमसे पहली गलती हुई कि हमें अंग्रेज़ों से नफरत अगर करनी थी तो कम से कम अंग्रेज़ों की जो दौलत इल्म की थी, यानी अंग्रेज़ी ज़बान और मॉडर्न थिंकिंग, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए थी। सर सैयद की यही दूरंदेशी थी कि वो ये समझ रहे थे कि अंग्रेज़ों के इल्म को जब तक हम अपनाएंगे नहीं तब तक हम अंग्रेज़ों से लड़ने के लायक नहीं हो सकते। इसीलिए जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई तो 25 बरस के बाद वो नस्ल तैयार हो गई जो नस्ल अंग्रेज़ों से लड़ने का हौसला और जुरात रखने लगी, जो नस्ल अंग्रेज़ी में इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने लगी। तो मैं आज मुबारकबाद दे रहा हूँ अबरार भाई को कि उन्होंने अपने वालिद की यादगार में एक डिग्री कॉलेज कायम किया और इस इलाके में एक नूर का मीनारा पैदा किया जहाँ से इल्म की रोशनी फैले। इल्म शख्सियत का जेवर है, तालीम जो है हमारी बेनूर आँखों को बानूर बनाती है, हमारी बेशऊरी को शऊर में तब्दील करती है। इसलिए मैं इस मुशायरे की स्टेज से आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन, मैथमेटिक्स की एजुकेशन ये आपका हिस्सा होना चाहिए, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाना चाहिए कि आप जदीद इल्म को
से अपनी शख्सियत को संवारने का सलीका और शऊर जानते हैं, इसलिए मैं इस मुशायरे में जहाँ शायरी की बड़ी गुफ्तगू करनी है आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपनी नस्लों को पढ़ाइए। आप असरी तालीम, मॉडर्न तालीम, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जो मजहबी तालीम है उससे अलग होइए, लेकिन एक हाथ में अगर आपके कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में साइंस का चिराग भी रोशन होना चाहिए। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो मॉडर्न एजुकेशन अपना करके उन्होंने अपनी हैसियत को बहुत मजबूत कर लिया। और अपनी मुस्लिम कौम से हम ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन जब तक आप नहीं हासिल करेंगे, जब तक आप उसमें मुकाबले वाली हैसियत में नहीं आएंगे, आँख में आँख मिला के बात करने की जुरत जब तक नहीं होगी, तब तक आप इस दुनिया में सही तरीके से ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, कमज़ोर बन के ज़िंदा रहेंगे, आप जो है खौफज़दा बन के ज़िंदा रहेंगे, ताकतवर बन के ज़िंदा नहीं रह सकते। इल्म एक ताकत है, इल्म बेखौफी है, लिहाजा इल्म हासिल कीजिए। यही इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का मकसद और मिशन है, यही अबरार भाई का मकसद और मिशन है, इसीलिए ये कॉलेज जो है वो कायम किया गया है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 1968 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया था, फिर मैं लेक्चरर हो गया था, लेकिन मेरा जहन बड़ा तख्लीकी भी था और तामीरी भी था। तो 1969 में मिर्ज़ा गालिब की सेंटिनरी मनाई जा रही थी, उनको मरे हुए 100 साल हो गया था, मैंने सोचा कि गालिब को कैसे याद किया जा सकता है। तो मैं 1969 में मैंने अपने जलालपुर में मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज नाम का एक इदारा खोल दिया जो फुल फ्लेज्ड इंटरमीडिएट कॉलेज है। मैं उस वक्त से इस तामीर और इस तख्लीक में शामिल हूँ। गालिब बहुत अजीम शख्स था। एक बार गालिब से किसी ने पूछा कि आप कैसे आदमी हैं, आप न शिया लगते हैं, न सुन्नी लगते हैं, न हिंदू लगते हैं, न मुसलमान लगते हैं, होली और दिवाली में भी आप शरीक रहते हैं, ताजिया में भी आप रहते हैं, सुन्नियों की महफिल में भी आप रहते हैं, शराब भी बड़ी आज़ादी से आप पीते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मस्त मौला की तरह बैठे रहते हैं, आप किस टाइप के आदमी हैं? तो गालिब ने जवाब दिया कि मुझे लोग हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी में कैद करना चाहते हैं, मेरा दिमाग तो अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि मैं जब इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को देखता हूँ तो अपना सर झुका के चलता हूँ कि कहीं मेरा सर आसमान से टकरा ना जाए। इतना बड़ा दिमाग रखने वाला गालिब था। तब उसने ये शेर कहा कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये थे गालिब। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सर सैयद बनिए, आप गालिब जैसा दिमाग रखिए, आप मौलाना आज़ाद जैसा मिजाज पैदा करिए, APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनने की कोशिश करिए। और लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि इस मुल्क को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की है, एकता की है। वो ज़माना जब चला गया कि हम ये सोचते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा हर सोच जो है वो आपको गलत तरफ ले जाएगी। आइए, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो रही है, शायद आप उलझ रहे हों कि आखिर शायरी कब सुनने को मिलेगी, तो आइए इस मुशायरे को बाबरकत बनाने के लिए और कामयाबी की जमानत देने के लिए उस शख्सियत के हुजूर नजराने अकीदत पेश कर दिया जाए जिसके तुफैल ये कायनात जो है तख्लीक पाई है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया।
अव्वल से आखिर तक। आइए उस शख्स के नाते पाक का नजराना पेश करेंगे जनाब तौहीद सुल्तानपुरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और ये सवाब हासिल करें बारगाह रिसालत माम में नजराने अकीदत। एक कटा पेशे खिदमत है कि तुही नादार का जरदार कर दे, तुही नादार का जरदार कर दे, तुही वीरानों को गुलजार कर दे, तेरे ही हैं सहारे सारे बंदे, इलाही सब का बेड़ा पार कर दे, सब का बेड़ा पार कर दे। शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया दादाजी। और नाक के नाक का मतला शेर पेश कर रहा हूँ। कुछ आज ऐसा परिणाम दिखाई देता है, कुछ तो ऐसा खामोश बैठे हुए हैं, कम से कम सुभान अल्लाह माशाल्लाह इतना तो कहते रहिए ना, इसके लिए कोई कैद नहीं है। शुक्रिया दरनवाजी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला रसूलिल्लाह। हर एक सिमत कुछ आज ऐसा करीना दिखाई देता है, कुछ आज ऐसा करीना दिखाई देता है, हर एक सिमत मदीना दिखाई देता है, हर एक सिमत मदीना दिखाई देता है। खासतौर पर शेर नज़र कर रहा हूँ। जो उनके चाहने वाले हैं उनका क्या कहना, चाहने जो उनके चाहने वाले हैं उनका क्या कहना, भरा है नूर से सीना दिखाई दे, तौर से सामिन हजरात के लिए शेर नज़र कर रहा हूँ। आप थोड़ा एक शादी जहाँ पे मस्जिद नबवी में सब्ज गुंबद है, जहाँ पे मस्जिद नबवी में सब्ज गुंबद है, जहाँ पे मस्जिद नबवी में सब्ज गुंबद है, वहीं से अर्श का जीना दिखाई देता है।
जहाँ पे मस्जिद नबवी में सब्ज गुंबद है, वहीं से अर्श का जीना दिखाई देता है। और मक्का शेर बड़े ही मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ, जो उनके चाहने वाले हैं उनका क्या कहना, जहां में लोग जिसे इत्र कह गए तो ही यहां में लोग जिसे इत्र कह गए तो ही मेरे नबी का पसीना दिखाई देता है। हर एक सिमत मदीना सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं तो ही साहब, बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना में एहसास और जज्बात की पाकिजगी शामिल रहती है तो नात पाक सुन के ये यकीन होने लगता है कि ये शायर ऐसी दीवानगी में इस वक्त हाँ ऐसी दीवानगी से इसका वास्ता है कि इसे देख के ये लगता है कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। तो ये नात पढ़ने और नात कहने का शऊर अगर है तो जज्बे की पाकीज़गी को देख करके यही है।